सिंगरौली जिले के चितरंगी में कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने चितरंगी में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। धरना कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कृषि बिल को वापस लेने की मांग की और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। कांग्रेसियों का कहना है कि एमएसपी लागू किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, लाल किला की घटना में निर्दोष किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है जिसको वापस लेना चाहिए। किसान बिल जो पास हुआ है जी, वो तीनों बिल वापस लिया जाए जी। सबसे पहली चीज ये है कि जब किसान ही विरोध कर रहा है जी। और उनके लिए कानून बना है तो फिर उसे वापस लेने में दिक्कत क्या है जी। और इससे ये समझ में आता है कि हम जो नियम पास कर दें गलत भी हो तो वो सही है जी। इस भावना से ऊपर उठ के देश के किसान हैं, गरीब हों चाहे जैसे भी हों, उनके हित में निर्णय लिया जाना चाहिए। विरोध है तो उसे वापस लिया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।